सीबीआई हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, एनआईए हो, तमाम एजेंसियां विपक्ष के नेताओं पे तो हावी रहती हैं, रोजाना नए केस फैब्रिकेट करती हैं, फॉल्स और फैब्रिकेट केसेस रजिस्टर करके विपक्ष के नेताओं को पकड़ के जेल में डालती हैं। लेकिन जब बड़े बड़े असल के सचमुच के फ्रॉड और इकोनॉमिक ऑफेंसेस करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती है तो बीजेपी की सरकार उनसे सांठगांठ कर लेती है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान के सबसे बड़े इकोनॉमिक फ्यूजिटिव, आर्थिक भगोड़े मेहुल चोकसी को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी रेड कारपेट ट्रीटमेंट दे रही है और उसे बचाने की कोशिश कर रही है, उससे संबंधित है। दो बड़ी डेवलपमेंट्स, चौंका देने वाली खबरें आज सामने आई हैं। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, ये वो लोग हैं जिन्होंने 13,500 करोड़ का बैंक घोटाला किया, देश की जनता के खून पसीने की कमाई जो पंजाब नेशनल बैंक और 19 अन्य बैंकों में जमा थे, उन बैंकों का 13,500 करोड़ रुपए खाकर डकार कर फरार हो गए। उस आर्थिक भगोड़े मेहुल चोकसी को दूसरे देश, एंटीगुआ नाम का एक करेबियन देश है, उस देश की सिटीजनशिप दिलवाने के लिए भारत सरकार ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया, यानी कि एक एनओसी जारी कर कर ये कहा कि भारत सरकार को कोई परहेज नहीं है अगर मेहुल चोकसी नाम के आर्थिक अपराधी को एंटीगुआ की सरकार अपना सिटीजन बनाकर उसे सिटीजनशिप देती है, उसे पनाह देती है, भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं। और दूसरी बड़ी चीज, भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की तमाम एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, मेहुल चोकसी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके, पुख्ता सबूत, इंटरपोल को, जो एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी होती है, इंटरपोल को सबूत देने में विफल रही, जिसके चलते आज इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जो मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी किया था उसे रद्द कर दिया। मैं आपको बता दूं कि जो जो आर्थिक अपराधी होते हैं, इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स होते हैं, आर्थिक भगोड़े होते हैं, उनके खिलाफ उनकी सरकारें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, इंटरपोल जैसी एजेंसियां को सबूत देती हैं, उन सबूतों के आधार पे इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। रेड कॉर्नर नोटिस दुनिया की 195 देशों को जारी किया जाता है और 195 देशों में एक सूचना दी जाती है कि ये अपराधी है, इसने भारत सरकार का 13,000 करोड़ का नुकसान कर दिया, हिंदुस्तान के लोगों का 14,000 करोड़ रुपए चूना कर दिया, चूना लगाकर फरार हो गया। अगर ये शख्स आपके देश में घूमता पाया जाए तो इस शख्स को पकड़ के जेल में डालो, हमारी सरकार को बताओ, हम आएंगे और उसे अपने देश ले आएंगे और कानून के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाकर जेल भेजेंगे। ये होता है रेड कॉर्नर नोटिस। मुझे बताते हुए बहुत दुख है कि केंद्र में बैठी सरकार, जिसकी ईडी सीबीआई रोजाना विपक्ष के नेताओं को पकड़ने में तो अपनी सक्रियता दिखाती है, वो मेहुल चोकसी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके इंटरपोल को नहीं सौंप पाई, क्योंकि भारत सरकार ने मेहुल चोकसी के खिलाफ एक मजबूत केस इंटरपोल को नहीं सौंपा, उसके चलते इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जो मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी किया गया था उसे रद्द कर दिया। मैं इस पूरे केस की संक्षेप में आपको हिस्ट्री बताना चाहूंगा। जनवरी 2018 में दावोस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन होता है। उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी जाते हैं और उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में नरेंद्र मोदी जी के साथ
मेहुल चोकसी की तस्वीर जारी की जाती। तमाम उद्योगपति उस तस्वीर में मौजूद थे और प्रधानमंत्री जी के साथ में मेहुल चोकसी भी खड़े थे। उसके दो दिन बाद पंजाब नेशनल बैंक एक कंप्लेंट जारी कर हिंदुस्तान को यह बताता है, ईडी और सीबीआई को बताता है कि मेहुल चोकसी ने 13,500 करोड़ का घोटाला कर दिया, उसकी जांच हो। सीबीआई और ईडी एफआईआर दर्ज करते हैं। जब तक एफआईआर दर्ज होती है, केंद्र में बैठी सरकार शायद मेहुल चोकसी को आगाह कर देती है कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, अब ये कंप्लेंट सार्वजनिक हो गई है, तुम भारत देश से फरार हो जाओ। और उसी महीने नीरव मोदी भारत देश को छोड़ के फरार हो जाता। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों भारत देश को छोड़ के फरार हो जाते। मेहुल चोकसी वो आर्थिक अपराधी एंटीगुआ के देश में जाकर वहां की सिटीजनशिप अप्लाई करता है और वो सिटीजनशिप दिलवाने के लिए भारत सरकार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करती है और वर्ष 2018 में एंटीगुआ की सिटीजनशिप मेहुल चोकसी नाम के उस आर्थिक अपराधी को मिल जाती। इसी के साथ साथ ये सारी खबरें सामने आती हैं कि मेहुल चोकसी नाम के शख्स ने हजारों करोड़ की डोनेशन चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यक्रम में मेहुल चोकसी को मेहुल भाई कहकर पुकारा और अपनी घनिष्ठता उनके साथ जग जाहिर करी। इसके बाद जब इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया कि यह आर्थिक अपराधी है, इसे पकड़ना है, भारत सरकार हमें सबूत दे, हम इन सबूतों का संज्ञान लेते हुए इस आर्थिक अपराधी को पकड़ के भारत देश सौंपेंगे, तो पता चलता है कि भारत सरकार ने केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार मेहुल चोकसी के खिलाफ रत्ती भर भी सबूत इंटरपोल को नहीं सौंप पाई, जिसके चलते मेहुल चोकसी आज आराम से अपना पूरा जीवन विदेश में बिता सकता है। 14,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की आवाम का डकार कर वो आर्थिक अपराधी आज मजे से अपनी जिंदगी नदिया किनारे मौज में जी रहा है, क्योंकि उसे संरक्षण प्राप्त है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। आज हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल इस मुद्दे से जुड़े बीजेपी सरकार से पूछना चाहते हैं। मेरा पहला सवाल, मेहुल चोकसी को किस शख्स ने टिप ऑफ किया, ये सूचना दी कि उसके खिलाफ जांच होने जा रही है, तुम भारत देश छोड़ के फरार हो जाओ? वो सरकार का कौन सा शख्स था, कौन सा मंत्री था, कौन सा बीजेपी का नेता था जिसने मेहुल चोकसी को आगाह किया? हमारा दूसरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी का क्या रिश्ता है मेहुल चोकसी से और कितने रुपए चंदे में मेहुल चोकसी ने भारतीय जनता पार्टी को दिए? मेरा तीसरा सवाल, भारत की सरकार बीजेपी की सरकार ने क्यों मेहुल चोकसी को एक दूसरे देश की नागरिकता लेने के लिए, एंटीगुआ की नागरिकता लेने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया, उसे क्यों सहयोग दिया कि वो भारत देश छोड़कर किसी दूसरे देश में आराम से बस जाए और आराम की जिंदगी बिताए? मेरा चौथा सवाल, क्या यह सत्य नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद मेहुल चोकसी को मेहुल भाई कहकर पुकारा और जनवरी 2018 में डावोस में प्रधानमंत्री जी की उससे मुलाकात हुई, जिसके बाद वो शख्स भारत देश से ही फरार हो गया? मेरा पांचवा सवाल, क्या मेहुल चोकसी अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहा है? इज मेहुल चोकसी प्लानिंग टू ज्वाइन द बीजेपी, या उसने क्या अभी बीजेपी ज्वाइन कर ली है? क्योंकि हमने देखा है कि जो जो आर्थिक अपराधी हैं, जो बड़े बड़े घोटाले करते हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ सारी जांच एजेंसियां काम करना बंद कर देती हैं और उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाता है, सारे कार्रवाई, सारे पर्चे, सारे केसेस, सारी चार्जशीट उनके खिलाफ रद्द कर दी जाती। तो क्या मेहुल चोकसी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है? इसका जवाब केंद्र में बैठी सरकार हमें दे। हमारा अगला सवाल,
क्यों भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार इंटरपोल को मेहुल चोकसी के खिलाफ सबूत दाखिल करने में फेल हो गई, क्यों बीजेपी की सरकार असफल रही मेहुल चोकसी के खिलाफ एक मजबूत केस इंटरपोल के सामने पेश करने में, और मेरा आखिरी सवाल, क्या मेहुल चोकसी के देखते देखते अब नीरव मोदी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेगा? क्या नीरव मोदी भी अब और विजय माल्या भी अब और ललित मोदी भी अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, जैसा कि शायद मेहुल चोकसी करने जा रहा है, क्योंकि ये सब लोग इन जांच एजेंसियों से छुटकारा पाते अगर ये लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते। इस देश में एक चलन चल रहा है, आप पर ईडी सीबीआई के मुकदमे होंगे, आप पे जांच बैठेगी, फैब्रिकेटेड केसेस डालकर आपको फंसाया जाएगा, और जैसे ही आप बीजेपी ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाएंगे सारे मुकदमे आप पर बंद कर दिए जाएंगे। और यही क्लासिक केस है मेहुल चोकसी का, जिसके खिलाफ भारत सरकार ने अब सारे केसेस बंद करने का मन बना लिया है और उसे छूट देने का पूरी तरीके से मूड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी। मैं आपको बता दूं कि मेहुल चोकसी ने 13,500 करोड़ का घोटाला किया। ये घोटाला 2016, 17 और 18 इस समय में हुआ जिस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये कोई कांग्रेस की और किसी और पार्टी की सरकार के समय का घोटाला नहीं, और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस घोटाले के बारे में अवगत कराया गया। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी के अपने कार्यालय को सूचना देते हुए 2016 में एक पत्र के माध्यम से ये कंप्लेंट सौंपी गई कि मेहुल चोकसी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है, उसके खिलाफ जांच हो। ना 2016 में जांच हुई, ना 2017 में जांच हुई, ना 2018 में जांच हुई, और जब वो शख्स फरार हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे पूरी तरीके से रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देते हुए एक दूसरे देश में उसको रिहैबिलिटेट किया, पुनर्स्थापना करी, नागरिकता दिलवाई और उसके खिलाफ चल रहे सारे रेड कॉर्नर नोटिस समाप्त कर दिए। ये बीजेपी की आर्थिक अपराधियों के साथ जो सांठगांठ है वो आज एक्सपोज हो गई। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि 14,000 करोड़ डकारने के बाद जो आदमी फरार हो गया, उसे छूटने के लिए, उसे बरी करने के लिए वो 14,000 करोड़ में से कितना पैसा बीजेपी के पास आया, कितना पैसा बीजेपी के नेताओं के पास आया, और क्यों मेहुल चोकसी को भारत सरकार अब इतना रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देके उसे बरी करने में लगी हुई है? इन सवालों का जवाब हम चाहेंगे कि केंद्र में बैठी सरकार जरूर दे, क्योंकि आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि क्यों वो शख्स जो उनके खून पसीने की कमाई का 14,000 करोड़ रुपए डकार गया, उसे केंद्र सरकार ने बाइज्जत बरी करने का काम किया। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कि आप पंजाब से भी संबद्ध हैं, कहा यह जा रहा है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके समर्थक कह रहे हैं और परगलाया जा रहा है, उसके वेयरबाउट नहीं बताया जा रहा। मैं दो अन्य मुद्दों पर जवाब देना चाहूंगा, एक आपने जो सवाल पूछा और दूसरा दिल्ली के बजट पे। जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब की कानून व्यवस्था, पंजाब की अमन प्यार शांति से बढ़कर हम लोगों के लिए कुछ नहीं। ये बहुत हार्ड अर्न्ड पीस है, बहुत लोगों का खून बहा है पंजाब में अमन प्यार शांति फिर से कायम करने की, और आम आदमी पार्टी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगी कि पंजाब में फिर कोई पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब का बयान आया, उन्होंने सार्वजनिक किया है कि कितनी मजबूत कार्रवाई पंजाब सरकार ने पिछले कुछ दिनों में करी और आने वाले समय में करेंगे, और जो जो शख्स पंजाब की कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है उन्हें पकड़ के जेल में डालेंगे। उनकी जगह सलाखों के पीछे है, उनकी जगह समाज के बीच नहीं। दूसरा विषय दिल्ली के बजट को लेकर, शायद आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को अपना बजट पेश करने से रोका जा रहा है।
सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है इस देश में। जितना जनादेश अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के पास है, हिंदुस्तान की किसी सरकार के पास नहीं। और आज जब हमारी सरकार दिल्ली में अपना बजट प्रस्तुत करने जा रही है, तो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने एमएचए के माध्यम से उस बजट पर रोक लगा दी। अब आप खुद सोचिए, अगर 1 अप्रैल 2023 से जो वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है उसका बजट विधानसभा में पारित नहीं होगा, तो सरकार खर्च नहीं कर सकती। सरकार वो पैसा खर्च नहीं कर पाएगी तो दिल्ली में बूढ़े लोगों की पेंशन रुक जाएगी, डॉक्टरों की पगार रुक जाएगी, अध्यापकों का वेतन रुक जाएगा, नर्सेस का, सफाई कर्मचारियों का, सबकी सैलरीज रुक जाएंगी, अस्पताल में दवा दवाई इलाज रुक जाएगा, सड़कें बननी बंद हो जाएंगी, नए स्कूल अस्पताल बनने बंद हो जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक ठप हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, दिल्ली पूरी तरीके से स्टैंड स्टिल पर आ जाएगी। और शायद यही मकसद है केंद्र में बैठी सरकार का। बीजेपी यही चाहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ठप हो जाए। लेकिन मैं बीजेपी को यह कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली सरकार का बजट पेश होता है, प्रस्तुत होता है, पारित होता है, तो उससे आम आदमी पार्टी को कोई निजी फायदा नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी या उनके परिवार को, राघव चड्ढा या उनके परिवार को कोई निजी लाभ नहीं होगा। ये लाभ दिल्ली की 2 करोड़ जनता को होगा। ये दिल्ली की 2 करोड़ जनता के भलाई के लिए जो खर्चा है वो आवंटित किया गया है। कृपया कर हमें बजट पास करने दीजिए। और मैं पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार होती कौन है लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के बजट को रोकने वाली? क्या मजाल केंद्र सरकार की कि वो एक चुनी हुई सरकार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का बजट रोक दे? आज तक तो हुआ नहीं। ये एक अपराध है, ये एक पाप है, ये एक सिन है जो बीजेपी करने जा रही है। मैं बीजेपी के लोगों को कहूंगा, विनती करूंगा कि आपके पाप का घड़ा भर गया है। लोगों ने देख लिया है आप कितना परेशान करते हैं, कितना एक्सप्लॉइट करते हैं, कितना हैरेस करते हैं, कितना परसिक्यूट करते हैं आम आदमी पार्टी को। अब बंद करिए, दिल्ली के लोगों से अपनी दुश्मनी निकालना बंद करिए, दिल्ली का बजट पास होने दीजिए। आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। पंजाब में भी आपने ऐसा देखा, पंजाब में हमने बजट सत्र बुलाने की अनुमति गवर्नर साहब से मांगी। भारत के इतिहास में पहली बार किसी राज्य के गवर्नर ने बजट सत्र बुलाने की अनुमति विड्रॉ कर ली, मना कर दिया कि बजट सत्र नहीं बुलाया जाएगा। हो क्या रहा है इस देश में? संघीय ढांचे पे प्रहार, चुनी हुई सरकारों को रद्द करने की कोशिश, बजट पास ना हो ये कोशिश। अगर कोई गैर भाजपा सरकार किसी राज्य में बन जाती है तो उसे बदला लिया जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा केंद्र सरकार को कि बदले और दुश्मनी की सियासत जब चुनाव हो उस समय आजमाइए, जब चुनाव खत्म हो जाए तो आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए और तमाम सरकारें मिलकर काम करें। ऐसी कोशिशें हम सबको मिलकर करनी चाहिए। ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट और उसमें गया है पब्लिसिटी में, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसलिए क्लेरिफिकेशन मांगा है। कोई ऐसा शख्स जिसे वित्तीय ज्ञान ना हो, जिसे आंकड़े पढ़ने नहीं आते हो, जो बजट के लाइन आइटम्स ना पढ़ पाता हो, वो ही ऐसी बेतुकी बात करेगा। पिछले 5 वित्तीय वर्षों में जितना पैसा अवेयरनेस और पब्लिसिटी कैंपेन्स के लिए आवंटित किया गया था, इस वित्तीय वर्ष में भी उतना ही पैसा आवंटित किया गया। तो अगर पहले 5 वित्तीय वर्षों में आपको कोई समस्या नहीं थी तो अब क्या समस्या हो गई? क्योंकि अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है क्या, इसलिए हमारा बजट रोका जा रहा है? क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब, इसलिए रोका जा रहा है? क्या बीजेपी के नेताओं के सपनों में भूत बनकर आते हैं अरविंद केजरीवाल उन्हें डराने, इतना उनको सताते हैं कि हमारा बजट रोका जा रहा है? क्या कारण है हमारा बजट रोकने का, जब पहले 5 वित्तीय वर्षों में तो आपने हमारा बजट रोका नहीं, जब इतना ही फंड आवंटित था, लेकिन इस बार रोक लिया। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मैं आपको बता दूं, 22
1,000 करोड़ से भी ज्यादा फंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिल्ली के निर्माण के लिए आवंटित किया गया, 22,000 करोड़ से भी ज्यादा, हाईएस्ट एवर एलोकेशन। इसलिए मकसद यह नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड को बढ़ाया जाए, पब्लिसिटी अवेयरनेस कैंपेन्स को रैशनलाइज किया जाए, मकसद यह है कि दिल्ली सरकार को ठप करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो। मैं बीजेपी को कहना चाहूंगा कि इस गंदी सियासत को बंद कीजिए, दिल्ली के लोगों ने आपकी असलियत देख ली है, अब बंद कीजिए और हमारी सरकार को, दिल्ली के जनादेश से चुनी हुई सरकार को चलने दीजिए। थैंक यू।